Assalamu alaikum. Welcome to Ar-Rahman Academy. Dear students, we are going to start a basic English language course. And for this, we must know some basic steps to learn English language. But उन steps को start करने से पहले, there are some confusions, some misconceptions. We must address them. तो start करते हैं इस चीज से कि why do we people think कि English एक मुश्किल ज़बान है या हम इसे नहीं सीख सकते? And why do we hesitate to make mistakes? हम मिस्टेक्स करने से क्यों डरते हैं? हम क्यों हेजिटेट होते हैं कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए? अब इंग्लिश लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं. वी थिंक कि हम इंग्लिश के लंबे लंबे एसेस को क्रैम करके, रट्टा लगा के, पोएम्स की ट्रांसलेशन करके, बड़ी बड़ी स्टोरीज को ट्रांसलेट करके उन्हें पढ़ के लैंग्वेज सीख सकते हैं. इफ यू थिंक सो तो यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज लैंग्वेज को कभी भी लिख और पढ़कर ही नहीं सीखा जाता. किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट किया जाता है लिसनिंग से. नाउ देयर आर फोर बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. नाउ फर्स्ट स्किल होती है लिसनिंग. और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें करना चाहिए सबसे पहले लिसनिंग. अब देयर आर मैनी पीपल जिन्हें इंग्लिश तो आती है लेकिन वो उसे अपने नेटिव एक्सेंट में बोलते हैं. लाइक कुछ लोग पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू एक्सेंट में, और कुछ लोग अपनी किसी मदर टंग के एक्सेंट में ही इंग्लिश को बोलते हैं. द प्रॉब्लम इज कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की लिसनिंग नहीं करते. वी डोंट ट्राई टू लिसन नेटिव स्पीकर्स. तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो लिसनिंग की आदत डालिए. इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश पॉडकास्ट्स, इंग्लिश ऑडियोज, इंग्लिश म्यूजिक, देयर आर मैनी थिंग्स जिनको सुनिए. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज स्पीकिंग. अब लिसनिंग के बाद जो सेंटेंसेस आपने सुने हैं, जो वोकैबुलरी आपने सुनी है, उसे अपनी डेली लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए, उसे बोलना स्टार्ट कीजिए. हम में से बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हम अगर अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से बोलें तो दे डोंट नो. तो आप खुद भी सीखिए, अपने सराउंडिंग्स में भी लोगों को सिखाइए. And children are the best learning partner for you. क्योंकि बच्चे हमें ये नहीं कह सकते कि आपने गलत बोला है. In fact, they become very good listeners for you. तो आप अपने घर में देखिए, अगर आपके आसपास बच्चे हैं तो you have a very good partner to learn English. आप उनके साथ English में बात कीजिए, छोटे छोटे sentences से start कीजिए. अब इंग्लिश बोलना डजंट मीन कि हमने पहले ही दिन इंग्लिश में दो घंटे की स्पीच करनी है या हमने किसी को इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, बल्कि यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग बाय गिव मी वाटर, आई डोंट नो, आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, यू आर टायर्ड, शी इज माय सिस्टर, दे आर माय ब्रदर्स. वेरी सिंपल एंड स्मॉल सेंटेंसेस. अब यहाँ पे हमें डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत इंग्लिश बोल जाएं. तो अगर आप गलत इंग्लिश बोलते हैं तो एज अ लर्नर आपको मिस्टेक्स करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक आपकी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होता है. तो कभी भी मिस्टेक करने से मत डरिए. इस कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलिए कि अगला बंदा, जिसको पता भी हो कि आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस से डर कर आपका मजाक ना उड़ाए. स्पीकिंग के बाद आता है रीडिंग. अब कोशिश करें कि अच्छी अच्छी इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें, इंग्लिश एसेस पढ़ें, और उससे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को सीखिए. रीडिंग के बाद राइटिंग, फिर लिखने की कोशिश कीजिए.
टेक्स्ट मैसेजेस लिखिए, ईमेल्स लिखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखिए। आहिस्ता आहिस्ता इन चारों स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चा बन जाइए। लेट्स थिंक कि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी या जो भी आपकी मदर टंग है कैसे सीखी। ऑब्वियसली आपने पहले ही दिन पटा पटा बोलना स्टार्ट नहीं कर दिया, बल्कि आपने पहले छोटे छोटे वर्ड्स, वो भी ब्रोकन वर्ड्स बोले। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता एक सही वर्ड बोला, देन यू केम टू ब्रोकन सेंटेंसेस। तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक चांस दीजिए, बिल्कुल बच्चों की तरह। जस्ट कंसीडर योरसेल्फ अ चाइल्ड और फिर छोटे छोटे ब्रोकन वर्ड्स, ब्रोकन सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रैक पर आ जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं व्हेन यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेस्ट ऑफ लक। हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अरहमान एकेडमी। हैप्पी लर्निंग।